हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 1 में यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के बारे में सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यदि हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, जिसमें a यदि b से बड़ा हो तो उनको भाग करने पर हमेशा हमें दो संख्याएं ऐसी मिलेंगी x और r, जिनके अकॉर्डिंगली a विल बी इक्वल टू बी एक्स प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन b। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, वेयर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, देर आर ऑलवेज टू होल नंबर्स x एंड r सच दैट a कैन बी रिटन एज बी एक्स प्लस आर, वेयर जीरो इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। अब इसको समझते हैं। देखिए बेटा, सपोज हमारे पास दो नंबर थे a एंड b। अब क्योंकि a b से बड़ा माना है हमने, तो जब भाग करेंगे तो बड़ी संख्या को अंदर रखा ना आपने, a को b से भाग किया, तो भाग करने पे आपको हमेशा एक नंबर, यहाँ पे आप भाग करते हो तो एक नंबर मिलता है, जिसे हम भागफल कहते हैं, कोशेंट कहते हैं। और भाग करने के बाद अगर कुछ नीचे यहाँ पे बसता है तो वो शेषफल या रिमाइंडर कहलाता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमने यही सीखा है कि a और b अगर दो नंबर ऐसे हैं जिनको भाग किया जाए तो हमेशा हमें दो नंबर मिलेंगे, एक कोशेंट और एक रिमाइंडर, एक भागफल और एक शेषफल। और आपको पता ही है कि ये जो शेषफल है ये हमेशा भाग करने वाली संख्या से छोटा होता है, जिसको कि हम भाजक या डिवाइजर कहते हैं। देखिए इसके एग्जांपल्स, डिवीजन रूल हम जो कि पहली क्लासेस में पढ़ते थे, दैट इज a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से हमेशा जिस भाग करने वाली संख्या है उससे हमेशा छोटा ही रहता है। और ये क्या लिखा जा सकता है, इसे a क्या हम कहते हैं, भाज्य, डिविडेंड इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवाइजर। फिर से एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं इसे। जैसे 15 को हमें 2 से भाग करना है, तो आपने 15 को ऊपर रखा अंदर, 2 से भाग किया जो कि भाजक बन गया, ये भाज्य बन गया। 2 से भाग किया आपने तो आपको 15 से छोटा नंबर देखना है 2 के टेबल में, तो आपने 7 पे इसको डिवाइड कर दिया, 7 टू जा 14 यहाँ लिखा आपने, तो अब हम देख रहे हैं कितना बच गया, 1 बच गया। तो अब देखिए हमारे पास चारों नंबर कौन कौन से हो गए, ये भाजक डिवाइजर, ये भाज्य डिविडेंड, ये भागफल कोशेंट, और नीचे जो बचा है शेष यानी कि रिमाइंडर। तो यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेम्मा है। मान लीजिए अब आपके पास नंबर है 18 डिवाइडेड बाय 9, तो जब आप 18 को डिवाइड करोगे तो 18 हमारा हो गया भाज्य, भाजक हो गया 9, और भाग करने पर आपके पास क्या मिला, 2, शेषफल रह जाएगा 0, क्योंकि आप भाग करके देखिए ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो अब यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग हम इसे कैसे लिखेंगे, 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2 प्लस 0, भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अब ऐसे ही 24 को 5 से भाग करेंगे तो 24 हो गया डिविडेंड भाज्य, फिर भाजक हो गया 5, भागफल क्या आएगा 4, क्योंकि 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 पे जाएगा, और शेषफल भी हमारा 4 ही बचेगा। तब कैसे लिखेंगे हम इसे, 24 बराबर 5 गुणा 4 जमा 4, शेषफल भी क्योंकि 4 ही है। 36 को 7 से भाग करेंगे तो 7 गुणा 5 35 पे चला जाएगा और शेषफल 1 बचेगा। तब अब फाइनली इसको कैसे लिखेंगे, 36 बराबर 7 गुणा 5 जमा 1। तो बेटा यही चीज आपको अच्छे से समझनी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।